हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गुड लाइफ ओडिशा। आज हम ओडिशा की एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पंचलिंगेश्वर, जो कि बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए है, एकदम से डिटेल्स में हम आपको दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, मैं नीलगिरी में रहती हूँ और नीलगिरी से पंचलिंगेश्वर का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स। तो मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। अगर आप बालेश्वर से कवर कर रहे हैं तो आपको 30 किलोमीटर्स कवर करना पड़ेगा। रास्ता एकदम से बढ़िया है, लेकिन नैरो रोड है। आप पंचलिंगेश्वर को बाय 2-व्हीलर, 4-व्हीलर या बस में भी आ सकते हैं। बस की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल है। पंचलिंगेश्वर को जाने का बेस्ट टाइमिंग है आपका नवंबर से फरवरी तक। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मैं अभी अगस्त के महीने में इसको कवर कर रही हूँ, तो अभी टूरिस्ट बहुत ही कम होंगे, बारिश का महीना है। तो यहाँ पे हम पंचलिंगेश्वर का मेन एंट्रेंस में पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये इसका मेन एंट्रेंस है। पंचलिंगेश्वर को आप सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, साइड में सीनिक ब्यूटी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोनों साइड में होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, तो खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओडिशा टूरिज्म की तरफ से भी OTDC यहाँ पे है। ये देखिए, दोनों साइड में यहाँ पे है आपके यात्री निवास, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पंथ निवास, सब कुछ यहाँ पे है, तो रहने की कोई भी दिक्कत नहीं है। पंचलिंगेश्वर शैवपीठ देवगिरी पहाड़ के ऊपर है, तो चलिए पहाड़ के ऊपर चलते हैं। ये देखिए, अब हम पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहाँ पे 2-व्हीलर्स, 4-व्हीलर्स और बस की पार्किंग के लिए बहुत ही बड़ी जगह है, तो पार्किंग भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइड में भी बहुत सारे दुकान हैं, स्नैक्स वगैरह, चाय कॉफ़ी की दुकान भी, तो आप यहाँ पर रिफ़्रेश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी को पार्क करके आपको ऊपर की तरफ चलना होगा, लेकिन अगर आपके पास स्पेशल परमिशन है तो आप अपना गाड़ी ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। मेरे पास स्पेशल परमिशन है तो मैं ऊपर तक जा रही हूँ। तो देखिए, साइड में आपको इस तरह के कुछ दुकान मिलेंगे, यानी बहुत सारे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आपको पूजा सामग्री वगैरह सब मिल जाएंगे। ये देखिए, बारिश के मौसम में भी पिकनिक चल रहा है। यहाँ पर नीचे के एरिया में पिकनिक मनाया जाता है, यहाँ पर पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, ये जो साइड है, यहाँ पे पिकनिक मनाया जाता है। यहाँ पे साइड में देखिए, इस तरह के बहुत सारे दुकान रहती हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और कोविड भी चल रहा है, इसलिए काफ़ी सारे दुकान बंद हैं। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, खिलौने और वैरायटी वैरायटी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। नीचे के साइड में भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आपको लंच ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी, आप नवंबर से फरवरी के बीच में आइए, उस टाइम में मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। इनफैक्ट थ्रू आउट द ईयर मौसम बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के मौसम में भी आपको यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आप आराम से ऊपर तक चढ़ सकते हैं। ये देखिए, बारिश के मौसम में भी कितना अच्छा लग रहा है एटमोसफियर। तो मैं यहाँ पर ऊपर के पार्किंग में पहुँच गई हूँ, इससे ऊपर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो मैं अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको एक दुकान पे ले जा रही हूँ। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, पत्थरों से बना हुआ तरह तरह की चीज़ें। शाम के 4 बज रहे हैं और काफ़ी सारे दुकान बंद हो गए हैं, क्योंकि पंचलिंगेश्वर का एंट्री जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो काफ़ी सारी दुकान बंद हो गई हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से पूजा सामग्री लेके जाती हूँ, मुझे ऊपर पूजा करना है। पंचलिंगेश्वर में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए ये सब साइड में है। तो देखिए, ये इसका एंट्रेंस है। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं।
पंचलिंगेश्वर में आपको करीब 311 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो मैं शायद ऑलमोस्ट हाफ चढ़ के आ गई हूँ। यहाँ पे रेस्ट साइड है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर चढ़ूँगी। पहले की सीढ़ियाँ थोड़ी फ्लैट है तो आपको चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए यहाँ से ऊपर से व्यू कैसा लग रहा है। ये देखिए देवगिरी पहाड़ और पंचलिंगेश्वर का व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। कैमरा ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से, अगर आप खुद आएंगे तो जान सकते हैं। ये देखिए माता गंगा ऊपर से बह के नीचे तक आ रही हैं। माता गंगा पूरे साल भर ऐसे बहती हैं और पंचलिंगेश्वर को अपना पानी समर्पित करती हैं। पौराणिक कथा अनुसार ये कहा जाता है कि पंचलिंगेश्वर में जो पांच शिवलिंग है उसका स्थापन असुर राज बानेश्वर ने किया था। उन पांच शिवलिंग का नाम है मणिनागेश्वर, बांगेश्वर, गड़गड़ेश्वर, बाणेश्वर, खजुरेश्वर। तो चलिए बाकी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 80 से 85 डिग्री एंगल में चढ़ना होगा, जो कि थोड़ा टफ है। नीचे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ऊपर थोड़ा पैर आपका दुख सकता है, लेकिन ऊपर जाते ही अच्छा व्यू देख के आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो चलिए चढ़ते हैं। तो शूज हमने स्टैंड में रख दिया है। अब ये देखिए वो पूरा ऊपर से व्यू, यहाँ से चांदीपुर बीच दिखता है। ये देखिए हम पूरा ऊपर तक पहुँच गए हैं। इस जगह में पूजा वगैरह होता है, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा पूजा का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार कहा जाता है कि माता गंगा यहाँ पे 10,000 सालों से इसे बह रही है, और इस जगह का आविष्कार नीलगिरी के राजा श्री कृष्णचंद्र मर्तराज ने 250 साल पहले किया था। यहाँ पे जो पांच शिवलिंग हैं वो हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। आपको सिर्फ छू के उनका स्पर्श अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। लेकिन आप ज्येष्ठ के शुक्ल प्रतिपद से लेके पूर्णिमा तक उनका दर्शन आप कर सकते हैं। बाबा पंचलिंगेश्वर यहाँ पर पानी के अंदर रहते हैं, तो आपको पानी के अंदर हाथ डाल के उनको छूना पड़ता है। बाबा के दर्शन के लिए आपको यहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन अभी टूरिस्ट बहुत ही कम है, तो इसलिए लाइन की कोई भी व्यवस्था अभी नहीं है। जहाँ पे पांच लिंग की स्थापना की गई है, लेकिन अभी कोविड के कारण किसी को भी छूने का अनुमति नहीं है, आप सिर्फ दूर से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पत्थर के ऊपर सो के शिवलिंग को छूना पड़ता है, इससे आप पूरा गीला हो सकते हैं, इसलिए आप दूसरे कपड़ों का व्यवस्था करके यहाँ पे आइए। इस जगह पे पूजा होता है, यहाँ पे आप जलावन से कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक बात बता देती हूँ, जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लिखा है आप वहाँ पे प्लीज मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है आपके लिए। शो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने पंचलिंगेश्वर का कवर कर दिया है। अगर आपको ये जगह अच्छा लगा तो ज़रूर आइए। थैंक यू।